वेलकम स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर ट्वेंटी सिक्स जो कि है सेकेंड ऑफ सेप्टेम्बर के इसके अंदर हम देखने वाले हैं टेंथ क्लास की पहले साइंस की वर्कशीट फिर मैथ्स और फिर टेंथ में देखेंगे हिंदी की वर्कशीट साइंस की जो वर्कशीट है उसके अंदर हम लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम दैट इन्वॉल्व इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल का मतलब सांस अंदर लेना और exhale का मतलब सांस बाहर छोड़ना। जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ये ऑर्गन सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम का मतलब हो गया इसमें काफी सारे ऑर्गन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और इस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है टू मीट द दे एनर्जी रिक्वायरमेंट इस प्रोसेस में हम इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं यहां पे राइट साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का ह्यूमन का डायग्राम दे रखा है आपका टाइनी हेयर टाइनी हेयर आपका इम्पोर्टेंट इसलिए होता है ताकि उसमें कोई भी अम फॉरन एजेंट्स पैथजेंस ना जा पाए तो फॉरन एजेंट्स हो गए डर्ट हो गया या फिर कोई और कीटाणु uh, टाइप हो गए तो वो हेयर के अंदर रुक जाते हैं अटक जाते हैं तो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड प्रोवाइड एडिशनल ह्यूमिडिटी फॉर इन इनहेल एयर तो बेसिकली यहां पर म्यूकस होता है और आपको पता है कि बाल होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के फॉरन एजेंट्स से पैथजिन से नेक्स्ट देख लेते हैं लेरिंग्स जिसको बोलते हैं एडम सेपल जो मेल के अंदर आपको दिखाई देगा और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं वॉइस बॉक्स नेक्स्ट आता है फेरिंग द नेसल चैम्बर ओपन अप इन टू अड होलो स्पेस टर्म डज द फेरिंग्स ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई तो बेसिकली एक होलो होलो का मतलब हो गया खोखला हिस्सा होता है जो ओपन होता है दो में कॉमन पाथ फॉर बोथ एयर एंड फूड तो फूड पाइप और एयर पाइप मतलब जहां से हवा पास होती है हमारे लंग्स की तरफ वहां का ये ओपनिंग है बेसिकली ये एक दरवाजा है इट फंक्शन तो करता है अः फूड पार्टिकल्स को विंड पाइप के अंदर जाने से रोकता है ये इसका मेजर फंक्शन है तो कई बार आपने देखा होगा कि आप खाना खाते समय अगर बोलते हैं तो वहां पे कुछ पार्टिकल्स घुस जाते हैं तो आपको खांसी होने लग जाती है कफ होने लग जाता है वो इसीलिए क्योंकि हवा आप बोलते समय क्या कर रहे हो फेरिंग्स को आप आदेश दे रहे हो कि वो खुल जाए और हवा आने दे तो अगर वो खुलेगा तो फूड पार्टिकल्स वहां पर भी घुस सकते हैं तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर ट्रैकिया तो ट्रैकिया हो गया आपका द विंड पाइप बिलो द लेरिंग्स एंड मूव डाउन टू द नेक द वॉल्स कंप्राइज ऑफ सी शेप रिंग्स विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम कोलेप्सिंग तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सी शेप रिंग्स आपको दिखाई देंगी जो क्या करती है वो एक विंड पाइप को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो गिरे ना इधर उधर ना हो तो काइंड ऑफ एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है उसको विंड पाइप को नेक्स्ट आ जाता है ब्रोंकाय द ट्रैकिअ स्प्लिट्स इंटू टू ट्यूब तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है तो दो ट्यूब में इसको डिवाइड हो रहा है विंड पाइप टर्म डेस्क्रे विच एंटर्स ईच लंग इंडिविजुअली तो ये लंग्स को बेसिकली विंड पाइप से कनेक्ट करने का काम करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है एलवेलॉय द एलवेलाय आर सिंगल सेल्ड थिन वॉल्ड बेलून लेग स्ट्रक्चर फिल्ड विद एयर सो बेसिकली इसके अंदर क्या फंक्शन है इसका ये एयर को ट्रैप करता है जो हम इनहेल करते हैं वहां पर जाके एयर फिल हो जाती है नेक्स्ट हो गया इसके अंदर लंग्स तो मेन सेंटर होता है चीफ सेंटर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन दे आर लोकेटेड इन द कैविटी ऑफ द नियर द बैकबोन ऑन साइड ऑफ द हार्ट दे आर द पेयर ऑफ लार्ज स्पॉन्जी ऑर्गन मेनली इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द एयर तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर ब्लड और एयर मिलते हैं सो so एयर में से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और ब्लड उसको पूरी बॉडी के अंदर लेके चला जाता है तो ये एक तरीके से मेन सिस्टम की तरह काम करता है कंप्रेस टू द लेफ्ट लंग द राइट लंग इज क्वाइट बिग एंड एंडियर तो अगर आप दोनों लंग्स को कंपेयर करें तो राइट right वाला जो लंग है वो ज्यादा हैवी होता है नेक्स्ट आ जाता है इनहेलेशन एंड एक्सलेशन जो हमारी जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है अगर आपने अभी भी आप ब्रीद करके देखें सांस अंदर लेके देखेंगे तो आपको लगेगा कि रिप्स जो है वो लिफ्ट अप हो रही है मतलब चेस्ट आपकी बड़ी हो रही है और जब आप एक्सेल करते हैं तो सांस जब आप छोड़ते हैं तो आप क्या क्या होता है रिप्स जो है वो डाउन की तरफ चल जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं बेसिकली और जो डाइफोग्राम है तो डायफाग्राम अगर आप इस फिगर में देखें तो ये है ये वाला जो पार्ट है जो नीचे जो लंग्स के एकदम नीचे वाला जो पार्ट है उसे डायफाग्राम बोलते हैं वो इनहेल के समय फ्लैट हो जाता है मतलब एकदम सीधा टाइप हो जाता है और एक्सेल के समय वो डूम शेप डूम शेप का मतलब हो गया एक सी शेप इनवर्स सी शेप इस तरीके से हो जाएगा ये इस तरीके से और जब इनहेल करते हैं तो एकदम फ्लैट हो जाता है yeah. नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीजेस जब हम उसके अंदर करते हैं इनहेल करते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब जो मात्रा है उसकी वो बढ़ जाती है और जब हम एक्सेल करते हैं तो मात्रा जो है उसकी वॉल्यूम जो है उसकी कम हो जाती है एयर की तो इस सब के बीच में हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलवीओलाय सो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ये लाइन आपको लिखनी है तो बस ये पहला आंसर हो गया नेम द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज तो so, सबसे इम्पोर्टेंट गैसेस एक्सचेंज की जो साइट हो गई वो आंसर हो गया इसका लंग्स तो so, आप इसके अंदर आंसर लिख देंगे लंग्स सो थर्ड आंसर हो गया व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एंड एक्सलेशन तो थर्ड आंसर आपका बहुत ही क्लियरली यहाँ पर ऊपर दे रखा है तो so, ये पूरा डिफरेंशियट बिटवीन इसका आप लिख सकते हैं थर्ड फोर्थ आंसर चलते हैं ड्रॉ अवेलबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इसके अंदर आप ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर आप अच्छे से ड्राइंग बना दें ये पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट आता है ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ योर स्टमक ड्यूरिंग एनहेलेशन एंड एक्सेलेशन व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड योर ऑब्जर्वेशन अगर आप इनहेलेशन करेंगे तो आपने देखा होगा जो स्टमक है वो फूल जाती है तो बेसिकली स्टमक नहीं फूलती वो डायफाग्राम फूलता है फ्लैट हो जाता है बेसिकली सी शेप से पहले वो फ्लैट हो जाता है और जब आप रिलीज करते हैं एक्जेल करते हैं तो वो डूम शेप का हो जाता है तो उसका रीजन आपको ये लिखना है ये आखिरी के दो पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हैं तो ये तो हो गई आपकी साइंस की वर्कशीट अब हम सीधा चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट मैथमेटिक्स की वर्कशीट की तरफ तो लास्ट वर्कशीट में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना स्टार्ट करा था तो इन्होंने पहला क्वेश्चन ही ट्राई दी के अंदर रिकॉल के अंदर पूछा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मैं तब भी आपके लिए एक बार लिख देता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है इसके अंदर तो पहले का आंसर हो गया रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर ये रूट के अंदर होता है ये फॉर्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई एंड ओरिजिन तो बेसिकली ये बोलना चाहता है कि एक पॉइंट है ओरिजिन ये जीरो कॉमा जीरो हो गया और कोई पॉइंट है पी यहाँ पर तो इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस निकालो तो हमने फॉर्मूला देखा है एक्स टू माइनस एक्स वन का होता है तो अगर एक्स टू जो है हमारा सपोज एक्स वन जो है हमारा जीरो हो गया तो फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वे प्लस वाई स्क्वायर तो आंसर हो गया रूट एक्स स्क्स वाई स्क्वायर तो मैं इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट नहीं करता आप इसमें जो है ना फॉर्मूला सिर्फ पहला वाला ही समझें बाकी आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं नेक्स्ट चलते हैं हम आगे इन्होंने बोला है आज हम बात करने वाले हैं कोलिनियर कोलिनियर और ट्राइंगल तो अगर कोई तीन पॉइंट लिए जाए जैसे इन्होंने यहाँ पे लिया है ए बी सी ठीक है ए बी सी अगर मैं तीन पॉइंट लेता हूं तो दो तरीके हो सकते हैं या तो वो एक सीधी लाइन बना देगा जैसे कि इस फिगर में भी दे रखा है या तो तीन पॉइंट को लेने नहीं होंगे तो क्या बना देगा एक ट्राइंगल बना देगा तो ये दोनों के बीच में कब क्या होता है वो हमें देखना है तो इसके ऊपर हमें प्रूफ करने के क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कोलिनियर कब होता है कोलिनियर क्या होता है तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट अगर सीधी लाइन में हो तो उसे कहते हैं कोलिनियर तो ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्व टू तो ए सी का डिस्टेंस होता है एक ये तरीका होता है इसको प्रूफ करने का और दूसरा तरीका होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो इक्वल टू तो जीरो होता है इसको हम बाद में किसी और वर्कशीट में देखेंगे तो अभी के लिए हमें इसको कोलिनियर देखना है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि आप डिस्कशन के बाद जो मैं अभी क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं इनके बाद जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री आप फिर इनको रीड कर सकते हैं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिकॉज यहाँ पर इनको आपको खुद ट्राई करना चाहिए पहला क्वेश्चन डिटरमाइन एट द पॉइंट दीज दीज इज आर कॉल तो इन सब क्वेश्चन के लिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस दिस और कोलिनियर तो हम यहाँ पे साइड में इसके लिख देते हैं ये ए पॉइंट हो गया ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया तो कोलिनियर पता करने के लिए हमें पता है कि इसकी कंडीशन क्या है ए बी का जो डिस्टेंस है बी सी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए ए सी के तो बेसिकली हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है तो हम डिस्टेंस फॉर्मुला यहाँ पे लगा देंगे ए बी इक्वल्स टू रूट एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स क्या है जीरो माइनस माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई टू वाई टू क्या है थ्री माइनस थ्री होल स्क्वायर जो है यहाँ पर हम पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या हो जाएगी फोर का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर तो फोर का स्क्वायर आंसर हो गया फोर यूनिट आगे हम चलते हैं पहले हम निकाल लेते हैं बी सी की वैल्यू बी सी की वैल्यू हो गई आपकी इन दोनों का डिस्टेंस एक्स टू इसमें ये वाला टू हो गया रूट टू माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस थ्री होल स्क्वायर तो यहाँ पर टू का स्क्वायर आया प्लस जीरो आंसर आ गया रूट टू का स्क्वायर आंसर आ गया टू यूनिट तो ये हमारी बी की वैल्यू आ गई आइए अब चलते हैं निकाल लेते हैं ए की वैल्यू सो ए और सी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पे थ्री एक्स टू टू माइनस फोर टू माइनस माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस अगेन थ्री माइनस थ्री होल स्क्वायर नेक्स्ट आ गया यहाँ पर टू प्लस फोर होल स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर यहाँ पर आ गया सिक्स स्क्वास यूनिट ये हो गया सिक्स यूनिट तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो सिक्स आ रहा नहीं आ रहा हम लिख देंगे एज ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी दे फोर ए बी सी तो इसी तरीके से आपको हर बार चेक करना होता है ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है आने वाली वर्कशीट में हम इसका थोड़ा शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ सेकंड क्वेश्चन बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड एक्स एक्सेस तो इसको दो तीन तरीके से देख सकते हैं मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बोलता हूं तो माइनस एट कहां पर होगा तो इस साइड अगर आप जाएंगे तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये माइनस एट हो गया कॉमो फाइव फाइव कहाँ है? पॉजिटिव है तो वन टू थ्री फोर फाइव तो यहाँ से देखें और यहाँ से देखें तो ये वाला पॉइंट हो गया ये वाला पॉइंट हो गया माइनस एट कॉमा फाइव तो माइनस एट कॉमर फाइव का डिस्टेंस मतलब ये साइड एक्स ये डिस्टेंस तो कितना है ये डिस्टेंस तो यहां से पता चल रहा था पांच तो यहाँ से है फाइव यूनिट्स तो यहाँ पर हम लिख देंगे फाइव यूनिट्स तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आंसर नंबर थ्री कैसे करना है यहाँ पे चार पॉइंट्स दे रखे थे और उससे पूछा था कि कौन सा कोऑर्डिनेटर बनेगा तो चार पॉइंट को हमने पहले इस तरीके से एक सीरियल uh, ऑर्डर में यहाँ पे हमने लिख दिया है कोऑर्डिनेटर रफ बना दिया है तो अब हम क्या करेंगे इसका डिस्टेंस फॉर्मुला लगाएंगे ए से बी तक बी से सी और सी से डी तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल दी है x2 टू एक्स तो माइनस नाइन सॉल्व करा ये सारा का सारा आंसर आ गया थ्री टू यूनिट्स तो ये ए बी का डिस्टेंस हो गया ए से बी तक उसी तरीके से हमने निकाला बी से सी तक तो बी से सी का डिस्टेंस निकाला टू रूट टेन आया यहां पे यूनिट सेम तरीके से हमने यहाँ पे सी डी का डिस्टेंस निकाल लिया और डी ए का डिस्टेंस निकाल लिया अब इससे हमें एक चीज पता चल गई कि ए बी जो है वो किसके इक्वल हो गया ए बी इक्वल हो गया सी डी के तो अगर आप इसको फिगर में ध्यान से देखें ए बी यहाँ पर है और सी डी यहाँ पर ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई अब ऑपोजिट साइड पैरोोग्राम में भी इक्वल होती है और रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पैरोोग्राम है या रेक्टेंगल है तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा उसकी डायग्नल्स को तो डायग्नल क्या होती हैं ये इसके इस तरीके से ए से लेके सी तक जाने वाली जो लाइन होती है उससे कहते हैं डायगनल और बी से डी तो यहाँ से ए से सी और बी से डी तक का डिस्टेंस हम निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो भी इक्वल है तो ये मैंने नीचे यहाँ पर निकाल रखा है तो ए से सी का डिस्टेंस निकाला रूट एटी टू आया जिसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी तो वो सॉल्व नहीं हो पाया कुछ भी उसके अंदर कॉमन नहीं था तो बी डी निकाला तो रूट थर्टी फोर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो मैंने इसके आगे इसको चेक भी करने की जरूरत नहीं समझी बट आगे वो सॉल्व होगा भी नहीं तो जैसे कि मुझे पता चला कि ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई ये दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल है लेकिन जो डायग्नल है वो इक्वल नहीं हुई से क्या हो गया ये बन गया आपकी रिक्वेस्ट होगी तो आप, कमेंट में बताएं कि आप चाहते हैं कि पूरा चैप्टर अलग से वीडियो में कवर हो बिकॉज वर्कशीट में इन्होंने एक एक क्वेश्चन देखिए इसको खत्म करा हुआ है तो अभी अगर आपको मैथ्स की वर्कशीट समझ में आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को आगे फॉरवर्ड करें और अभी हम चलते हैं हिंदी की वर्कशीट की तरफ हेलो स्टूडेंट्स आइए अब आपकी हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर ही ये वर्कशीट है कंटिन्यूएशन में है ये है आपका कार्यपत्रक नंबर छब्बीस ट्वेंटी सिक्स वर्कशीट ट्वेंटी सिक्स तो जल्दी से इसमें देख लेते हैं कि इस वर्कशीट में क्या है तो इस वर्कशीट में राम परशुराम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कंटिन्यू करते हुए आगे क्या बात हो रही है मैं आपको वो बता देती हूँ तुम हो तौ तो कालू हाक जनुलावा बार बार मोही लागी बुलावा सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी जो है वो परशुराम से कह रहे हैं आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मृत्यु को बार बार बोल रहे हैं कि आओ आओ और इसे आके मार जाओ तो लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही ये जो कठोर वचन वचन लक्ष्मण जी ने बोले तो सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को ठीक से हाथ में ले लिया मतलब अच्छे से उसे हाथ में पकड़ लिया और बोले कि अब लोग मुझे दोष ना दें अब देई मोहि लोगु कटु बादी बालकु बद जोगु तो वो कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष ना दे यह कड़वा बोलने वाला बालक जो है ये मारे जाने के ही योग्य है इसे तो मरना ही चाहिए बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा अब यहू मरनिहार भा साचा तो फिर आगे वो कहते हैं कि इसे बालक समझकर बच्चा समझकर मैंने बहुत बचाया पर अब तो ये सचमुच मरने को ही आ गया है मतलब अब ये ऐसी बातें करने लगा है कि बस अब तो ये मरने के योग्य हो गया है कौशिक कहा क्षमिय अपराधु बाल दोष गुण गण ही न साधु फिर आगे विश्वामित्र जी तो कौशिक यहाँ पर है विश्वामित्र जी वो आगे कहते हैं वो परशुराम जी से एकदम से कहते हैं कि परशुराम जी कृपया इस, इसका अपराध क्षमा कर दीजिए तो वो जैसे यहाँ पर कहते हैं क्षमिये अपराधु इसका जो अपराध है लक्ष्मण जी का जो अपराध है उसे क्षमा कर दीजिए बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते तो बालक जो है बच्चे ये तो बच्चे हैं तो इनके जो भी दोष है जो भी गुण है उन्हें साधु नहीं गिनते आप भी साधु हैं तो वो मत गिनिए खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही तो इसके उत्तर में परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि मैं जो हूं मैं तो तीखी थी, धार का कुठार हूँ मे, मेरी मैं तलवार से भी ज्यादा जो है तीखा तलवार के जैसा मैं तीखा हूं मैं दया रहित हूं मुझमे कोई दया नहीं है और मैं क्रोधी हूं तो ये तुम जानते ही हो विश्वामित्र कि मुझे कितना क्रोध आता है मेरे में कोई दया नहीं है तो मेरे बारे में ये जानते हो और तुम ये भी देख सकते हो कि ये जो बच्चा है ये जो बालक लक्ष्मण है ये गुरुद्रोही है और अपराधी जो है और मेरे सामने ये इस तरह से उत्तर दे रहा है उत्तर देत बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे तो आगे फिर वो परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि इतने पर भी इतना कुछ इसने कर दिया है इतनी ज्यादा कठोर वचन इसने बोले हैं और ये गुरु द्रोही है ये अपराधी है फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़े जा रहा हूँ क्यों क्योंकि केवल तुम्हारे प्रेम से ही हे विश्वामित्र केवल तुम्हारा ही प्रेम है जिसकी वजह से मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूं न त एही काटी कुठार कठोरें गुर उरिन हुतवो श्रम थोरे तो वो ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो इसे मैं कठोर कुठार से मतलब कि बहुत कठोर और तेज तलवार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरिन हो जाता मेरा तो ये कह रहे हैं कि जो ये जो है लक्ष्मण ऐसी ऐसी, ऐसी बातें बोलकर मेरे गुरु परशुराम जी के गुरु का भी अपमान कर रहे हैं और अगर मैं मैं चाहूं तो इसको अभी मार कर थोड़े से ही परिश्रम से इसको अभी मार कर अपने गुरु का ऋण उतार दूं गादी सुनु कहे हृदय हसी मुनि ही हरि अरियई सूच अयमे खाड न उखमय अजहु न बोझ अभूज तो ये सब सुनकर विश्वामित्र जी जो हैं वो हृदय में ही हंसने लगते हैं तो मन ही मन वो मुस्कुराने लगते हैं हंसने लगते हैं क्यों क्योंकि वो ये उन्हें ये ज्ञात होता है उन्हें ये समझ आता है कि परशुराम जी को सब हरा ही हरा सूझ रहा है यहाँ पर जो लिखा है हरी हरी सूझ मतलब हरा ही हरा सूझ रहा है इसका मतलब ये है कि परशुराम जी जो है वो सर्वत्र विजयी हो चुके हैं वो हर जगह उन्होंने जीत ही जीत देखी है तो वो अब उन्हें लग रहा है कि मैं जहां पर भी जाऊंगा मैं वहां जीतूंगा ही जीतूंगा तो वो क्योंकि उन्होंने हर हर जगह जीत जीत ही है, सर्वत्र हैं वो इसलिए वो श्री राम और लक्ष्मण को भी साधारण ही समझ रहे हैं है कि जैसे उन्होंने बाकी क्षत्रियो को मारा है वैसे ही वो श्री राम और श्री लक्ष्मण को भी मार पाएंगे लेकिन वो परशुराम जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो है ये साधारण क्षत्रिय नहीं है राम लक्ष्मण जो है साधारण क्षत्रिय नहीं है ये फौलाद की बनी हुई खाड़ है मतलब कि ये लोहे की बनी हुई तलवार के समान है और ये रस की खाड़ नहीं है मतलब गन्ने से बनी हुई तलवार नहीं है कि बस मुंह में रखी और मुंह में रखते ही घुल जाए तो ऐसे नहीं है वो बल्कि उन्हें दुख हो रहा है विश्वामित्र जी को कि परशुराम जी अभी भी नासमज बने हुए हैं और श्री राम और लक्ष्मण के प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं तो यही आपका जो है संवाद है आज का वर्कशीट में तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो जल्दी से देख लेते हैं तो पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित अर्थ के लिए पद्यांश से उचित शब्द ढूंढिए तो आपको यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं मतलब कुछ शब्द हैं जो अर्थ हैं जो मीनिंग है और ये किन शब्दों के मीनिंग है वो शब्द आपको यहाँ से इसमें से संवाद में से आपको चुनकर लिखने हैं तो मैं बारी बारी ये बताती जाती हूँ आप वो फिर लिख सकते हैं कोशिश कीजिए कि पहले आप एक बार ढूंढ के लिखिए मैं आपको साथ साथ आपको मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ समझाया है तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आप खुद भी ये नाम लिख पाएंगे तो कोशिश कीजिए हो सकता है आप कर पाए और उसके बाद फिर आप ये आंसर जो है आप क्रॉस चेक कर सकते हैं तो पहला शब्द यहां पर है जो अर्थ दिया है वो है कठोर तो कठोर अगर आप देखेंगे तो ये जो दूसरी लाइन है वहीं पर है जब हमने कहा सुनत लखन के बचन कठोरा तो कठोरा जो है वो उसका मतलब यहाँ कठोर है अगला चलते हैं अगला शब्द है आपका यहाँ पर लोग तो लोग कहाँ पर है तो मैंने जैसे आपको डिस्क्रिप्शन में समझाया ये जब शब्द आया लोगु तो वो लोग के लिए यूज हुआ है आगे है आपका तीसरा शब्द है मारे जाने योग्य तो मैं अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में ये समझाती हुई चल रही थी तो ये जो मर निहार है उसका मतलब है मारे जाने योग्य फिर है विश्वामित्र तो विश्वामित्र जी के लिए जो यहाँ पर शब्द यूज किया गया है वो है कौशिक उसके बाद है अगला शब्द क्षमा तो क्षमा के लिए यहाँ पर है क्षमिये कि उसको क्षमा कर दीजिए उसके बाद है गिनना तो गिनने के लिए गनही तो दोष गुण गन ही मतलब दोष और गुण का गिनना फिर शब्द है आपका दया रहित तो ये भी मैं आपको समझा रही थी अकरुण तो परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं दया रहित हूं मुझ में दया नहीं है मतलब करुणा नहीं है अकरुण फिर लोहे या फौलाद की बनी हुई तो ये वाला जो शब्द है अयमे तो खाड़ का मतलब होता है तलवार और अयमे है लोहे या फौलाद की बनी हुई आखिरी शब्द है आपका यहां पर गन्ने से बनी हुई तो गन्ने से बनी हुई है यहां पर ऊखमय ऊख का मतलब होता है गन्ना तो ऊखमय का मतलब है यहां पर गन्ने से बनी हुई आगे चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर प्रश्न दो आपका कहता है परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या क्या, क्या कहा पद्यांश को पढ़कर बताइए तो आप चाहें तो आप इसका जो उत्तर है आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं हम यहाँ आपको सैंपल आंसर दिखा देते हैं तो परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से क्या, क्या क्या कहा मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कोई भी अगर डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं आगे चलते हैं प्रश्न तीन पर प्रश्न तीन आपका कहता है विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हसे तो ये उत्तर भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि विश्वामित्र जी मन ही मन क्यों हंसने लगते हैं और वो क्या सोच रहे हैं तो ये आप सैंपल आंसर यहाँ से देख सकते हैं कोशिश कीजिए अगेन कि आप अपने शब्दों में इस उत्तर को लिखिए चलते हैं प्रश्न चार पर प्रश्न चार आपका कहता है दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए तो दूसरों की क्षमता उनकी जो एबिलिटीज हैं उनकी जो क्वालिटीज हैं हमें कभी भी उनसे कब नहीं कम नहीं समझना चाहिए तो इसके ऊपर आपको अपने विचार लिखने हैं तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में आप इसे जरूर लिख सकते हैं अपने शब्दों में हम क्या सोचते हैं हमने यहाँ पर एक सैम्पल आंसर में लिख दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी क्षमताओं का दिखावा नहीं कर रहा है या उसके बारे में नहीं बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई क्षमता या कोई गुण नहीं है ईश्वर ने सभी को अलग अलग क्षेत्रों में गुणी बनाया है तो हो सकता है कोई किसी चीज में अच्छा हो कोई किसी और चीज में अच्छा है तो इसलिए हमें कोई भी तुलना करके एक दूसरे की क्षमता को कम या ज्यादा नहीं समझना चाहिए बल्कि सभी को गुणवान समझना चाहिए तो ये हमारे विचार हैं आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रश्न चार के उत्तर में फिर प्रश्न पांच है आपका कोई ऐसी घटना याद कर कर लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार या विरोध किया हो तो यहाँ आपको उत्तर पांच में कोई ऐसी घटना के बारे में सोचना है जब आपने अन्याय यानी इनजस्टिस का आपने विरोध किया हो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो आप उसके अगेंस्ट खड़े हों और आपने उस इंसान का साथ दिया हो तो ऐसा आपको सिचुएशन लिखनी है हमें जो सिचुएशन एक याद आ रही थी हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एक बार एक लड़की से कक्षा के नोट्स मांगे जा रहे थे और उस क्योंकि वो देने से मना कर रही थी तो इसलिए उस पर चिल्लाया जा रहा था उसको डांटा जा रहा था उसको परेशान किया जा रहा था तो ऐसे में हमने जाकर उनकी मदद की और लड़की को बोला कि लड़की का साथ दिया और साथ ही साथ ये कहा कि लड़कों को, को कोई हक नहीं बनता कि वो लड़की को ऐसे डराए या उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए उस पर दबाव डाले दबाव डाले तो ये अन्याय था जिसका हमने विरोध किया तो आप चाहे तो आप अपने हिसाब से अपनी घटना आप सोचिए कि ऐसी क्या सिचुएशन आई है ऐसी कौन सी घटना हुई है जब आपने ऐसे किसी का साथ दिया हो और कोई गलत होता अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो आप उसके अगेंस्ट उसके विरोध में आप खड़े हुए हों वो आप उत्तर पांच में यहाँ लिखेंगे फिर आखिरी आपका प्रश्न जो है उस पर चलते हैं आखिरी प्रश्न आपका कहता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं तो कोई भी अगर विशेषता बताते हैं शब्द उनको विशेषण कहते हैं जैसे कि मेहनती बालक तो इसमें बालक जो है वो संज्ञा है और उसकी विशेषता बता बताने वाला शब्द है मेहनती और वो विशेषण है उसको विशेषण कहते हैं तो यहाँ मीठा आम में आम संज्ञा है और आम की विशेषता मतलब कि आम कैसा है वो बता रहा है ये शब्द मीठा तो इसलिए मीठा जो है वो विशेषण हो जाएगा इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव कहते हैं तो आपको पद्यांश के भावार्थ में से तो जो यहाँ पर व्याख्या दी गई है जो भाव बताया गया है मीनिंग बताया गया है पद्यांश का उसमें से आपको चार विशेषण ढूंढकर लिखने हैं चार एडजेक्टिव ढूंढकर लिखने हैं तो जल्दी से मैं आपको वो चार एडजेक्टिव चार विशेषण भी दिखा देती हूँ तो जैसे यहाँ पर हम भावार्थ में लिखा है लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही तो वचन यहाँ पर संज्ञा है और हम कहते कि कैसे वचन थे तो वो वचन जो है कठोर थे तो पहला शब्द यहाँ कठोर हो जाएगा उसके बाद है परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को तो फरसा जो है वो संज्ञा है फरसा कैसा था वो बहुत ही भयानक था तो भयानक यहाँ पर विशेषण है उसके बाद आगे कहते हैं यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है तो वो बालक यहाँ संज्ञा है वो कैसा था वो कड़वा बोलने वाला था तो आप ये यह भी यहाँ विशेषण के तौर पर लिख सकते हैं एक तरह से ये एडजेक्टिवियल फ्रेज होता है इंग्लिश में क्योंकि ये पूरा शब्दों का समूह है आगे देखते हैं कि और यहाँ पर कौन से हैं कौन से विशेषण है तो आगे यहाँ लिखा है तीखी धार का कुठार तो कुठार जो था वो कैसा था वो तीखी धार का था तो ये भी यहाँ पर एडजेक्टिव है जो आप लिख सकते हैं साथ ही साथ और आगे देखेंगे तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है साधारण क्षत्रिय तो वो जो क्षत्रिय है ये संज्ञा है यहाँ क्षत्रिय कैसे हैं वो साधारण से हैं तो ये जो हाईलाइटेड शब्द हैं ये सभी विशेषण हैं आप चाहे तो और ध्यान से देखिए और अगर आपको कोई और भी यहाँ पर विशेषण दिखते हैं तो आप जरूर उनको भी लिख सकते हैं अपने उत्तर में उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कोई भी डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछिए और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक यू